आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पीएम खाताधारकों के लिए खुशखबरी निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से चलेगी AC 3 इकोनॉमी क्लास की पहली ट्रेन, 8% कम होगा किराया, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण से और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो फेसबुक ने बदला है कंपनी का नाम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम होगा मेटा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर दिया है। पिछले कई दिनों से रिपोर्ट आ रही थी कि फेसबुक एक नए नाम यानी नए ब्रांड के साथ नए नाम की रिब्रांडिंग करने का प्लान बना रहा है। वही फेसबुक मेटावर्स बनने पर फोकस कर रहा है, जो कि मूल रूप से एक ऑनलाइन दुनिया है जहां लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट में ट्रांसफर करने और कम्युनिकेशन करने के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसे पूरा करने के लिए कंपनी ने वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी पर यहाँ पर इवेंट यहाँ पर किया। वही फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने घोषणा की थी कि कंपनी महज एक सोशल मीडिया कंपनी से आगे बढ़कर मेटावर्स कंपनी बनेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से चलेगी AC 3 इकोनॉमी क्लास की पहली ट्रेन, 8% कम होगा किराया। अब सस्ते दर पर AC ट्रेन में लोगों को सफर करने की सुविधा मिलेगी। दरअसल भारत की पहली गतिशक्ति एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत आज यानी शुक्रवार 29 अक्टूबर 2021 से यहाँ पर हो रही। ये ट्रेन देश की राजधानी दिल्ली से आनंद विहार पटना के बीच चलेगी। ये ट्रेन पूरी तरह से AC 3 इकोनॉमी क्लास के कोच की ट्रेन होगी। वही इस ट्रेन का किराया सामान्य AC 3 क्लास के करीब 8% कम होगा। फिलहाल इस ट्रेन को फेस्टिव स्पेशल ट्रेन के तौर पर यहाँ पर चलाया जा रहा है। ये आनंद विहार से ये ट्रेन रात 11:10 से चलकर अगले दिन सुबह ये 3:30 पटना पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन पटना से शाम को 5:45 से चलेगी। वही अगले दिन ये सुबह यहाँ पर 9:30 आनंद विहार पहुंचेगी। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी, पीएफओ ने 6.5 करोड़ खाताधारकों के अकाउंट में भेजा है पीएफ का ब्याज। केंद्र सरकार ने 6.5 करोड़ पीएफ खाताधारकों के खाते में पीएफ का पैसा भेज दिया यानी दिवाली गिफ्ट दे दिया है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके खाते में ब्याज का पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। बेहतर होगा कि आप भी अपने पीएफ अकाउंट का जो बैलेंस है वो चेक कर लें कि आपको अब तक ये पैसा मिला है या नहीं। आप घर बैठे बैठे आप अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। वही मोदी सरकार पहले ही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएफ पर 8.5% ब्याज दर यहाँ पर ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को हरी झंडी यहाँ पर दे चुकी है। वह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भी स्पेशल सहमति दे दी है। अब ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के खाते में 8.5% के हिसाब से पैसे यहाँ पर जमा कर रहा है। ऐसे में अगर आप भी नौकरी पेशा है तो आपका जो पीएफ अकाउंट है आपके अगर पीएफ कटता है तो आप 4 आसान तरीकों से अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। पहला कॉल के जरिए आप कर सकते हैं 0112290104 06 पर मिस कॉल देकर आप अपने पीएफ बैलेंस का यहाँ पर जो बैलेंस है वो आप चेक कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपका वो जो आप मैसेज कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा SMS के जरिए भी आप पीएफ खाता यहाँ पर जो बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको EPFOHIOH ये नंबर आपको फिर UNPING लिखकर भेजना होगा। 7738299899 पर मैसेज भेजकर आप अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी अपना जो पीएफ बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो IRCTC से बुक करें फ्लाइट और ट्रेन की टिकट, फ्री मिलेगी 50 लाख रुपए तक की सुविधा। अगर आप भी दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा पर घर जाने की यहाँ पर योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल इस त्योहारी सीजन में आपके लिए IRCTC एक खास ऑफर लेकर आए हैं, जहाँ आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं या फिर फ्लाइट का टिकट बुक करने पर आकर्षक छूट का फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं, यानी आकर्षक जो छूट है उसका फायदा उठा सकते हैं। इस फेस्टिव सीजन में अगर आप IRCTC अगर एयरलाइंस का टिकट बुक करते हैं तो कई बेनिफिट आपको मिलेंगे। इसकी जानकारी IRCTC ने यहाँ पर ट्वीट करके खुद यहाँ पर इसकी जानकारी दी है। भाई IRCTC ने अपने ट्वीट में कहा है कि फेस्टिव सीजन में कुछ यहाँ पर जो फेस्टिव सीजन है कुछ खास यहाँ पर मांगता है। वही #IRCTCAir के जरिए आसानी से आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। इस पर न्यूनतम शुल्क यहाँ पर 50 रुपये पड़ेगा। वही 50 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा और LTC किराया और विशेष डिफेंस किराया समेत कई तरह के फायदे इसमें आपको मिलेंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो पटाखों पर सरकार की सख्ती, इन राज्यों में सरकारों ने लगाई है पाबंदी।
दिवाली का फेस्टिव जब भी आता है तब तब पटाखों को जलाने को लेकर और उसे यहाँ पर बेचने तक पे ऊपर बहस चलती है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का मानना है कि कोविड-19 के बुरे दौर में पटाखों के इस्तेमाल को यहाँ पर ये जो पटाखों का इस्तेमाल है वो बेकार है, जो सीधी इम्यूनिटी पर असर करती है। वही कई लोगों को सांस लेने में परेशानियां पर होती है। वही दिवाली आते ही सरकार कड़े नियम लागू कर देती है। इस मौके पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों ने कड़े नियम लागू किए हैं और कई राज्य सरकारों ने पटाखे जलाने पर पूर्ण रूप से यहां पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, जबकि कुछ राज्यों में ग्रीन पटाखे फोड़ने का यहाँ पर इजाजत दी गई है। हालांकि ये नियम कुछ ही समय सीमा के लिए है। वही देखा जाए तो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में सर्दी के मौसम में पहले ही एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब रहती है। ऐसे में लोगों का मानना है कि पटाखे जलाने की वजह से जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा यहाँ पर असर करता है। फिलहाल इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देश के कई शहरों में पटाखों को लेकर आदेश जारी किया गया, जो कि दिवाली पर जो लोग यहाँ पर पटाखे दिवाली पर जगाएं उन लोगों को यहाँ पर फाइन देना होगा। वही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 घंटे पटाखे जलने की छूट दी गई है। पॉल्यूशन के मामले में हानिकारक प्रभाव और कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 1 अक्टूबर से पटाखों के बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने साल दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने और बेचने की अनुमति दी है। वह एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर अन्य जिलों में दिवाली पर 2 घंटे यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने यहाँ पर फोड़ने की अनुमति राजस्थान में दी गई है। इसके अलावा पंजाब में भी राज्य सरकार ने पटाखों के वितरण और बिक्री और उपयोग और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि त्यौहार पर सरकार द्वारा ग्रीन पटाखे का उपयोग और बिक्री की अनुमति दी गई है। वह यहाँ पर भी 2 घंटे पटाखे फोड़ सकते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी सरकार ने पॉल्यूशन को देखते हुए पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि दिवाली और छठ पूजा पर ग्रीन पटाखे फोड़ने कोई अनुमति यहाँ पर होगी। इसके लिए 2 घंटे का समय इस राज्य में भी दिया गया है। छठ पूजा पर शाम 6 से 8 और दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कई अन्य राज्यों में फेस्टिव सीजन में पॉल्यूशन को देखते हुए कुछ जिलों में पटाखे के सेल और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष समय निर्धारित किया है जब लोग पटाखे फोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पटाखे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन लोगों को इस साल पटाखे जलाने से परहेज करने का अनुरोध सरकार ने जरूर किया है। राजस्थान सरकार दिवाली बाद प्रदेश में बंपर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। प्रदेश में 29,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। इनमें कंप्यूटर अनुदेशक, सेकेंड ग्रेड शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक समेत 8 कैंडर के करीब 29,000 पदों पर दिसंबर में भर्ती कार्यक्रम जारी करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने शिक्षा विभाग में करीब 60,000 नई भर्ती का वादा यहां पर किया था। इनमें से 31,000 ग्रेड 3 शिक्षकों के पदों पर 26 सितंबर को परीक्षा का आयोजन यहां पर किया गया था। 8 की परीक्षा आयोजन हो चुका है। वहीं अब सरकार की ओर से करीब 29,000 पदों के लिए यहां पर नया खाका तैयार किया गया है। एक और जहां सरकार की ओर से 29,000 पदों पर नई भर्तियों को निकालने की तैयारी की जा रही है, वहीं अदालत में अटकी भर्तियों को भी सरकार ने पैरवी कर जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी की है। इसके साथ ही निलंबित चल रही शिक्षा विभाग के करीब 5,000 पदों की भर्तियों को सरकार की ओर से यहाँ पर निस्तारित करवाते हुए अधिकतर पदों पर नियुक्तियाँ पर दी जा रही है। वही अब 737 शारीरिक शिक्षक और वरिष्ठ शिक्षकों को भी जल्दी नौकरी देने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं को आने वाले वक्त में बड़ी राहत राजस्थान में मिल सकती है। वह राजस्थान में जिन पदों पर भर्ती होनी है उनमें 10,157 पदों पर कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती होगी। इसके अलावा 10,000 पदों पर सेकंड ग्रेड शिक्षक और 6,000 पदों पर ग्रेड 1 शिक्षक की भर्ती होगी। 1,000 पदों पर विशेष शिक्षक और 461 पद पर यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 और 461 पर पीटीआई ग्रेड 3, 461 पर पीटीआई ग्रेड 2 और 460 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड की परीक्षा होगी। वे राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासा ने कहा है कि सरकार जनता से किए वादे के अनुरूप काम कर रही है। इसके तहत 31,000 शिक्षकों के पद पर जहां हाल में ही भर्ती का आयोजन किया गया था, वही अगले कुछ दिनों में शिक्षा विभाग में लगभग 29,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि प्रदेश के युवाओं को राजस्थान में ही रोजगार मुहैया हो सके। वह राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र यादव ने कहा है कि प्रदेश के युवा पिछले लंबे समय से आंदोलनरत है। ऐसे में सरकार को निलंबित भर्ती परीक्षा को जल्द से जल्द पूरा कर बेरोजगारों को नियुक्ति यहां पर देनी चाहिए। इसके साथ ही भर्ती परीक्षा को यहां पर पारदर्शिता के साथ कराने के साथ ही परीक्षा में धांधली करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो जियो फोन नेक्स्ट की लॉन्चिंग से पहले विवाद, जियो फोन के लिए लग सकता है 1700 रुपए का डिपोजिट, हेडसेट डिटेल्स कर रहे हैं विरोध। रिलायंस जियो के नेक्स्ट फोन की लॉन्चिंग से पहले ही इसकी बिक्री को लेकर हेडसेट रिटेलर्स विरोध कर रहे हैं। दरअसल ऐसी उम्मीद है कि जियो इस फोन के लिए 1700 रुपए का डिपॉजिट ले सकती है। हालांकि ये डिपॉजिट ग्राहक को 3 साल बाद वापस मिल जाएगा। वह जानकारी के मुताबिक जियो फोन नेक्स्ट की लॉन्चिंग अगले हफ्ते होने वाली है। ये लॉन्चिंग 1 नवम्बर या फिर 2 नवम्बर को हो सकती है। ऐसे में अभी
अभी से यहाँ पर जियो जो हेडसेट है उससे हेडसेट क्रिएटर्स इसकी डिपॉजिट की स्कीम का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जियो ने फोन के मार्केटिंग और पेमेंट मॉडल को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। रिटेलर्स का कहना है कि फोन बेचने पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST लागू होगा, जबकि डिपॉजिट की जो रकम है वह बिक्री वाली रकम से अलग है, इसलिए इस पर GST को लेकर यहाँ पर दिक्कतें आएगी। इसका हिसाब किताब रखने में उनको समस्या यहाँ पर होगी। वही 2017 में कंपनी ने यहाँ पर डिपॉजिट ले लिया था। दरअसल जियो फोन के लिए डिपॉजिट की उम्मीद इसलिए यहाँ पर की जा रही है क्योंकि अगस्त 2017 में कंपनी ने अपना फोन को जब यहाँ पर जियो फोन था उसको जब मॉडल लॉन्च किया था उस समय उसने डिपॉजिट की स्कीम यहाँ पर शुरू की थी। वह रिटेलर्स का मानना है कि रिलायंस इस यहाँ पर इस बार भी 2017 वाली स्कीम लॉन्च कर सकती है। 2017 में कंपनी ने 50 करोड़ ग्राहकों को इस प्रोडक्ट को पहुँचाने का लक्ष्य रखा था।